इससे पहले कि मैं इस घंटे की बहस को क्लोज करूं, मैं सबसे एक छोटा छोटा रिएक्शन लूंगी। मैं शुरुआत करती हूं आपसे राहुल, अभी तक के जो रुझान है उस पर। नहीं देखिए, ये जो रुझान है जो विशेषकर हरियाणा ने दिखाया है, इसको मैं मानता हूं कि एक तरह से, चूंकि लोकतंत्र में सत्ता पक्ष जितना अनिवार्य है उतना विपक्ष भी अनिवार्य है, तो कहीं ना कहीं जनता ने एक तरह से विपक्ष को महत्व प्रदान किया है हरियाणा के रिजल्ट का। कम से कम इन शॉर्ट इस निष्कर्ष को किसी को भी मानने में कोई आपत्ति नहीं होगी कि यहाँ पे कांग्रेस ने जो भूमिका दिखाई है जिस तरह से, चूंकि देखिए अगर हम लोग महाराष्ट्र में देखते हैं तो वहाँ विपक्ष दिखाई भी नहीं दे रहा है, उस में बड़ी उपस्थिति नहीं है, लेकिन यहाँ पे सरकार किसकी बनेगी नहीं बनेगी, लेकिन जब भी होगा कम से कम हरियाणा में एक मजबूत विपक्ष भी, सरकार बनने के बावजूद भी एक मजबूत विपक्ष दिखेगा, ये मैं जरूर रखना चाहूंगा। डॉक्टर सुनील कौशिक, निश्चित तौर से देखने को मिल रहा है हरियाणा में, क्योंकि महाराष्ट्र में तो जो था वो क्लियर हो गया सरकार किसकी बनेगी, लेकिन शाम तक या रात तक सुर्खियों में रहेगा तो केवल हरियाणा रहेगा, चाहे मीडिया की सुर्खियों में रहे, चाहे कुछ भी, चाहे राजनीतिक कार्यालयों की सुर्खियों में रहे, चाहे गवर्नर हाउस सुर्खियों में रहे, सारी चीजें केवल हरियाणा को लेकर के इंगित करती है। और ये शाम तक क्लियर होगा किस पार्टी की आइडियोलॉजी है, किस तरीके से कौन सरकार बनाने में अपनी आइडियोलॉजी भूलेगा, खत्म करेगा, ये सारे लोग देखेंगे। शीतल, भाजपा जैसे अभी हम देख रहे हैं 37 सीट पर अपनी बढ़त बढ़ाई हुई है, मुझे उम्मीद है कि आगे कुछ और सीटें हमें डेफिनेटली मिलेंगे। जहां तक सरकार बनाने की बात है, मुझे पूरी उम्मीद है, विश्वास है कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। जहां तक ऑपोजिशन का सवाल है, इस बात से मैं भी अग्री करती हूं और पूरी भाजपा इस बात से अग्री करती है कि राष्ट्र के अंदर ऑपोजिशन होना चाहिए, लेकिन ऑपोजिशन कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए, ऑपोजिशन अच्छा होना चाहिए, डिस्ट्रक्टिव नहीं होना चाहिए। तो जो अगर वो ऑपोजिशन में बैठती भी है कांग्रेस पार्टी, तो वो कंस्ट्रक्टिव रहे, इसमें कुछ गलत नहीं। ठीक है, फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, तो लबलुआब यही है कि महाराष्ट्र में सरकार बनाने की स्थिति में बीजेपी शिवसेना इन रुझानों के मुताबिक, और हरियाणा में कोई भी स्थिति में फिलहाल नहीं है, और सारा दारोमदार जो होगा वो इंडिपेंडेंट्स किस राह जाएंगे, जेजेपी किस राह जाएगी, उस पर होगा कि बेहद दिलचस्प बैटल। हरियाणा की स्थिति स्पष्ट नहीं, एक छोटा सा ब्रेक, लगातार कवरेज आप देखते रहेंगे, नतीजे लगातार सटीक, सबसे पहले हम आपको जनतंत्र टीवी पर दिखाएंगे। छोटा सा ब्रेक।